गुड मॉर्निंग। ये जो प्रोजेक्ट आपने थीम पार्क में बनाया है रीजनल कॉलेज में, दैट इज वंडरफुल। ये तो मुझे पता है कि आप लोग 7-8 दिन से इसमें लगे हुए हैं, बट ये क्या चीज है बच्चों? कुछ हाइट 70 मीटर तक के होते हैं कुछ प्लांट, और कुछ उनसे छोटे कुछ उनसे छोटे, तो एक एक लेयर बन जाता है फॉरेस्ट में। मैम यहाँ पे फॉरेस्ट में 5 तरह की लेयर्स होती है। एवरजेंट सबसे टॉप पे, फिर कैनोपी, फिर उसके बाद से अंडर स्टोरी आता है, फिर उसके बाद से श्रबी और फॉरेस्ट। मैम एवरजेंट लेयर सबसे ऊपर वाली है, ये सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है, सबसे ज़्यादा पानी उसकी वजह से, और उसके नीचे जो कैनोपी लेयर बहुत डेंस होता है, डेंस होता है, उसके लीव्स वगैरह थोड़े बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी डेंस होता है, जिसकी वजह से जो नीचे तक की लेयर्स है ना, वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच पाती है ना, डायरेक्ट रेन रेन आ पाती है। और मैम कैनोपी में हमारा फूड का और शेल्टर का भी काफ़ी वो है प्लेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हमें जो भी खाना हमें होता है वो हमें कैनोपी लेयर में मिलता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।